Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about this couple who were harassed by the society members and for what? Because unke dog ne poo poo kar diya. So let me quickly brief you about this issue. तो एक सोसाइटी है जयपुर में, वो सोसाइटी में कपल रहता है. हस्बैंड इंडियन है एंड वाइफ जर्मनी से है. उनके पास एक डॉग है जिसे वो रोज वॉक पे वगैरह लेके जाते हैं. कई महीनों से अलग अलग लोग सोसाइटी से इन अवे ये कपल से झगड़ा कर रहे हैं. झगड़े का रीजन ये है दैट डॉग जो है ना उसको सोसाइटी प्रिमाइस में पूप मत कराओ. अभी इस पे वो कपल का क्या कहना था कि इवन इफ उनका डॉग सोसाइटी एरिया में पूप करता भी है तो एक बार डॉग का अपना काम करके हो जाता है, उसके बाद पूप बैग लेके वो उस एरिया को क्लीन कर देते हैं. तो ये इशू में फिसी ना तो डॉग ओनर गलत नहीं है. गलत तब होते ये लोग अगर ये पूप ऐसे ही छोड़ के चले जाते, या तब गलत होते अगर किसी घर के कंपाउंड के अंदर जाके डॉग को पूप कराते, बिकॉज वो फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाना होगा. पर ये कपल तो सोसाइटी के प्रिमाइस में डॉग को घुमा रहा है. एंड पेट ओनर को कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि यहाँ सुसु मत कराओ या पॉटी मत कराओ. जब तक प्राइवेट स्पेस में दे आर नॉट गोइंग नो वन कैन फाइट देम ऑन दिस. फॉरेन में भी ये प्रैक्टिस है, डॉग अगर किधर पूप करता है तो उसके बाद बैग यूज करके उसे निकाल लिया जाता है. एंड कॉमन सेंस है, एनिमल्स को भी बाथरूम जाना रहता है, तो इंसानों की तरह टॉयलेट तो जाके वो यूज नहीं करेंगे. दे नीड ग्रास और ओपन स्पेस टू डू देयर वर्क. एंड हर डॉग ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक देयर डॉग्स ऑन वॉक. बट ये सोसाइटी वालों को इससे दिक्कत थी. एंड ये कपल ने ट्राई किया उन्हें रूल्स बताने का, बट सम पीपल जस्ट कैन नॉट हैव नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस. सिविलाइज्ड वे से अगर बात हो ना तो कई इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं. बट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस दिस मेनी टाइम्स दैट कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो हमेशा हम सही है यही थिंकिंग लेके चलते हैं. उनसे कॉन्वर्सेशन आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बात नहीं करते, बस गाली गलौज करते हैं. सो सेम इन कपल के साथ भी हुआ. वन फाइन डे जब वो अपने डॉग को वॉक करा के वापस ला रहे थे घर पे, तब कुछ फैमिलीज की लेडीज ने अर्जुन एंड जूली जो ये कपल का नाम है उनसे बदतमीजी की. एंड रिटर्न में ये कपल ने क्या किया कि ये पूरे कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने का ट्राई किया. बट वो सोसाइटी की एक लेडी ने जूली का फोन खींचने का ट्राई किया. एंड छीना झपटी के दौरान ऑलमोस्ट ये सोसाइटी की लेडीज प्लस उनके फैमिली मेंबर्स कपल को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे. ये सब इतना एक्सट्रीम हो गया दैट एक लड़के ने हॉकी स्टिक भी निकाल लिया. एंड जूली एंड अर्जुन अपने डॉग के साथ कैसे तो करके अपने घर में चले गए. बट घर के डोर तक ये लेडीज आ गई एंड दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग दिस कपल. नाउ ये सिनेरियो में लेट मी टेल यू व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. जो वो सोसाइटी की लेडीज थी ना, उन्होंने जो टच किया है, फिजिकल होने का ट्राई किया है विद जूली, दैट इज रॉन्ग. आर्ग्यूमेंट्स जब तक वर्बल है एंड सिविलाइज्ड वे से हो रहा है ना, दैट कैन बी हैंडल्ड. बट एक बार वो आर्ग्यूमेंट्स थ्रेट्स एंड फिजिकल वायलेंस में कन्वर्ट हो गया ना, देन क्रिमिनल केस की तरह इट गेट्स ट्रीटेड. एंड किसको भी हक नहीं है किसी और को हाथ लगाने का. ये जो लेडीज थी ना, वो जूली पे इसलिए भी चिल्ला रही थी क्योंकि वो ये सब रिकॉर्ड कर रही थी और वो ये बोल रहे थे कि फोन नीचे रख एंड ऑल दैट. तो ये मामले में आई फील कि फोन सबके पास है तो व्हाई नॉट यूज इट फॉर आवर एडवांटेज. अगर ये सोसाइटी की लेडीज कुछ गलत नहीं कर रही थी तो रिकॉर्ड होने से क्यों डरना. वो भी अपना फोन निकाल सकती थी और जूली को रिकॉर्ड कर सकती थी. बट इंस्टेड दे चोज वॉयलेंस. अभी आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि ओनली मेक कंक्लूजन जब आपको दोनों पार्टीज का ट्रूथ पता है. बट पूरा ट्रूथ ऑलमोस्ट सामने आ गया है, सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज हो चुके हैं. तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर मेनी डेज नाउ, आई हैव बीन वॉचिंग देयर वीडियोस. जस्ट मैंने कंक्लूजन नहीं बनाया था बिकॉज सीसीटीवी फुटेज बाहर नहीं आया था. जूली अर्जुन बोले जा रहे थे दैट सीसीटीवी में सब दिख जाएगा, सोसाइटी वाले बट उसे रिलीज नहीं कर रहे. कैसे तो करके लेटर द होल फुटेज गॉट रिलीज. एंड सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यू विल जस्ट सी कि ये मॉब बना के लोग इसी इंटेंशन से खड़े हुए थे सोसाइटी के प्रिमाइस में कि दे विल थ्रेटन जूली एंड अर्जुन जब वो रिटर्न आएंगे वॉक से. इमेजिन ऐसे लोग सोसाइटी में सिविलाइज तरीके से रहने का बात करते हैं, एक बार जानवर भी ऐसा नहीं करेगा. एंड देन दे टॉक अबाउट कीपिंग एनवायरनमेंट क्लीन. जब मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां निकलती है तो एनवायरनमेंट क्लीन रख के क्या होगा. अभी ये झगड़ा सब जब हो गया ना, तब कपल थॉट कि कोई नहीं, अथॉरिटीज उनकी मदद करेगी. पर उल्टा अर्जुन को ही कुछ 14 आवर्स तक जेल में रखा गया. अभी लेट मी क्लियर दिस आउट कि इसके बाद जो भी आई एम गोना से वो अर्जुन के साइड की स्टोरी है. अकॉर्डिंग टू हिम उसके साथ अथॉरिटीज ठीक से पेश नहीं आए. स्टेशन में जब एक पर्सन से अर्जुन ने पानी मांगा, तब वहां जो एक पर्सन था उन्होंने पानी में थूक के पानी अर्जुन को दिया एंड बोला यही मिलेगा, यही पीना है तो पी ले. एंड इन अ वे ही वाज ट्रीटेड लाइक अ क्रिमिनल जबकि वो विक्टिम थे. मैंने पुलिस वाले से पानी मांगा, ठीक है सर मेरे को प्यास लगी है, मेरे को पानी तो पिला दीजिए. उसने एक पास में पानी की बोतल पड़ी थी, जैसे ये ना ऐसी प्लास्टिक की बोतल होती है ना, ये किल्ले वाले किल्ले कंपनी की पानी की बोतल थी, उसमें इतना सा पानी था. वो बंदा क्या करता है, पानी की बोतल उसने खोली, पानी पिया और उससे क्या मतलब ऐसे गले के अंदर रखा, वापस अंदर डाला ऐसे, फिर बोलता है थाने में इतना ही पानी है, पीना तो पी ले नहीं मर जा. तो यहाँ मेरे मन में सवाल ये आया कि सिर्फ अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ. जो दूसरे सोसाइटी के लोग मारने तक आ गए थे जूली को एंड अर्जुन को, वेयर दे ट्रीटेड लाइक दिस.
शायद नहीं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, बट अथॉरिटीज ने अभी तक इस पे रिएक्ट नहीं किया है, तो लेट्स वेट कि वो अपने साइड से क्या इस पे बोलना चाहते हैं। बट हाँ, क्लियरली डिले हुआ है इस केस में। FIR जो एक या एटमोस्ट दो दिन में दर्ज हो जानी चाहिए थी, उसको दर्ज कुछ 10 दिन बाद अथॉरिटीज ने किया, जिस वजह से समथिंग सीम्स ऑफ हियर। लाइक पूरा क्लिपिंग्स देखने के बाद ना ऐसा वाइब आ रहा है जिफ सोसाइटी वालों को एक्चुअली डॉग पूप का इशू नहीं था, वो तो सिर्फ कोई बहाना ढूंढ रहे थे ये कपल से लड़ने का। बार बार ये सोसाइटी वाले केप्ट ऑन सेइंग कि ये लोग व्लॉग वगैरह क्यों बनाते हैं, एंड लेडीज ट्राइड टारगेटिंग जूली फॉर सम रीजन। तो डिस्क्रिमिनेशन होते हुए दिखाई दिया है जूली के साथ। देन फोन से रिकॉर्ड करना या व्लॉग करना, जो एक कपल का पर्सनल चॉइस है, उस पे इन अ वे ये लोग सवाल उठाते हुए दिखाई दिए है, विच वॉज सो अननेसेसरी। आई एम एक्चुअली सैड आफ्टर वॉचिंग दी होल स्टोरी एंड द सीसीटीवी फुटेज कि सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी ऐसे बिहेव करते हैं। सोचो, सोशल मीडिया के एरा में लोग बिना कोई डर के हॉकी स्टिक वगैरह लेके रेडी हो जाते हैं किसको मारने के लिए, एंड इतना सारा प्रूफ होने के बावजूद जस्टिस डिले किया जाता है। आर्ग्यूमेंट्स हर जगह होते हैं, बट अगर सब एक बेसिक चीज समझ जाएंगे ना कि आर्ग्यूमेंट्स में गाली गलौज या फिजिकल नहीं होना है, तो कई ऐसे इश्यूज है जो सिर्फ बातचीत से निपटाए जा सकते हैं। आई नो इट इज लाइक एक्सपेक्टिंग टू मच, दिस विल ओनली बी पॉसिबल इफ हर पर्सन के अंदर एक बेसिक मोरल सेंस हो। सो या दैट्स इट, डू लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस केस, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।